नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा आपके अपने चैनल अकाउंट्स प्लानेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन, जीएसटी से रिलेटेड सर्कुलर, जीएसटी के प्रोसीजर की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी वीडियो मिलती है वो आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस करें और उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाला जो है टैब वो आप प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिस भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस वीडियो में भी अगर कोई आपको फर्दर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का विषय है, अभी लास्ट एक मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जिसमें कुछ उन्होंने निर्णय लिए थे कोविड को देखते हुए। ये आपकी 43rd मीटिंग थी, 43वीं मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की। नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी 28 मई 2021 को। इसमें इन्होंने कुछ निर्णय लिए थे। आज हम बेसिकली सबसे पहले अध्ययन हम करेंगे कि कुछ उन्होंने लेट फीस जो है वो रिड्यूस की, जिसको उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के तहत उन्होंने लेट फीस जो है पेंडिंग जो रिटर्न थी उन पर उन्होंने रिड्यूस की। तो लेट फीस कितनी अब लगेगी, किस प्रकार से लगेगी, उसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कोविड के कारण बहुत से व्यापारियों की रिटर्न जो है भरी नहीं गई है और उन पर भारी लेट फीस बन गई है। तो अब इन्होंने क्या राहत हमारे व्यापारी भाइयों को दी है, उसका हम अध्ययन करते हैं। अब इन्होंने कहा है, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B। तो यहाँ इन्होंने GSTR 3B की लेट फीस की कोई बात की है और इन्होंने पीरियड दिया है जुलाई 2017 से अप्रैल 2021। 3B जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की जो है इन्होंने लेट फीस कुछ वेवर की है, रिड्यूस की है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है, लेट फीस कैप्ड टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹500, जिसमें ₹250 से GST, ₹250 SGST, तो टोटल ₹500 से इन्होंने उस लेट फीस को कैप किया है। इसके लिए है ये, हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेट टैक्स पीरियड। जिस महीने के लिए, जिस टैक्स पीरियड के लिए आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, जिसका मतलब ना आपकी सेल है ना परचेज है, निल रिटर्न है, उस महीने के लिए आपको लगेगी ₹500 लेट फीस, जो कि पहले ₹20 के हिसाब से, ₹20 पर डे के हिसाब से ₹600 लगती थी, इन्होंने ₹500 से कैप कर दिया। अब दूसरी चीज है, नंबर दो, ये निल वाले का खत्म हो गया। नंबर दो, लेट फीस कैप्ड विद अ मैक्सिमम ऑफ ₹1000, ₹500 CGST के, ₹500 SGST के, ₹1000 की आपकी लेट फीस लगेगी उस महीने के लिए जो बाकी टैक्स पेयर हैं, जिनका मतलब निल रिटर्न नहीं है उन पे ₹1000 लगेगी, जिनका निल रिटर्न है वो ₹500 लगेगी। कब से लगी है, जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के रिटर्न के लिए अप्लाई है। अब ये रिटर्न आपने कब भरनी है, द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फीस वुड अप्लाई इफ GSTR 3B रिटर्न फॉर दिस टैक्स पीरियड आर फर्निश्ड बिटवीन 1/6/2021 से 31/8/2021। जून चल रहा है, 1 जून के बाद आप जो रिटर्न भरेंगे और 31 अगस्त से पहले पहले जो रिटर्न भरेंगे उन पर आपकी ये टैक्स, ये जो है लेट फीस लगकर ये आए। तो ये आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब इन्होंने, ये एक अलग पार्ट हो गया, इसमें 3B का उन्होंने बताया है, ऊपर इसमें लिखा हुआ था 3B, GSTR 1 का इसमें इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। अब इन्होंने इसी में एक दूसरी और दी है कि सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग जो लेट फीस लग के आती थी उसके लिए इन्होंने कुछ रिड्यूस करा है, जो भी है तो हम देखते हैं। अब ए नंबर, इन्होंने कहा है, द लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग 3B एंड GSTR 1, ऊपर 3B था, यहाँ 3B है, GSTR 1 है, पर रिटर्न, प्रत्येक रिटर्न है, महीने की, क्वार्टरली है, जो भी है, पर रिटर्न के लिए अभी उन्होंने कहा है, वो टैक्स पर हैविंग निल टैक्स लायबिलिटी, जिनकी निल टैक्स है 3B में और GSTR 1 में, उनकी ₹500 से लेट फीस इन्होंने कैप की है, जो ऊपर था वो ₹500 निल वालों के लिए, ₹500 3B भी पेंडिंग हो और GSTR 1 भी पेंडिंग। अब फॉर फर्दर टैक्स पेयर, अदर टैक्स पेयर, इसमें इन्होंने एक चीज कही है, फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर
इन प्रीसीडिंग ईयर जिनका पिछली साल 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर रहा है अप टू 1.5 करोड़ तक रहा है उनकी लेट फीस इन्होंने कैप करी है 2000। ऊपर 1000 थी, ये 2000। ऊपर इन्होंने केवल 3B का जिक्र कराया, यानी 3B और GSTR1 दोनों का। हालांकि GSTR1 पर अभी पिछले से कोई लेट फीस अभी तक लगी नहीं है, लेकिन ये नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग इन्होंने कह दिया अगर किसी की GSTR1 भी पेंडिंग है तो उस पर 2000 रुपये लग सकते हैं, लगेंगे। अब इन्होंने एक चीज और कही है, जिनकी 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है उनकी लेट फीस जो है मैक्सिमम 5000 रुपये एक टैक्स पीरियड के लिए इन्होंने कर दी। 2500 SGST, 2500 CGST, ठीक है। अब हाँ, 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर की इन्होंने लेट फीस की जो मैक्सिमम कैपिंग कर दी है वो 10000 रुपये कर दी है, जिसमें 5000 रुपये CGST, 5000 रुपये SGST। आपको याद होगा पहले भी यही कैपिंग थी, एक महीने में 5000 रुपये, 5000 रुपये GST, 5000 रुपये प्रति रिटर्न ये वो कहते थे, तो उसमें भी 5000 रुपये GST, 5000 रुपये SGST। तो अब जो है 3 इन्होंने कर दी हैं, एक अगर नील है तो 500 रुपये हर महीने का है, और अगर आपका 1.5 करोड़ तक पिछला टर्नओवर रहा है तो उसमें 2000 रुपये तक हो सकता है अगर GSTR1 भी आपने नहीं भरा है। अगर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 5000 रुपये पर रिटर्न, 5 करोड़ से ऊपर है तो 10000 रुपये पर रिटर्न, वही पुराना वाला हिसाब आ गया। अब जो कंपोजिशन हमारे भाई हैं कंपोजिशन डीलर GSTR4 भरते हैं, उनका इन्होंने 500 रुपये से कैप करा हुआ है, 250 रुपये पर रिटर्न इफ टैक्स लेबिलिटी इज निल। अगर जीरो टैक्स लेबिलिटी है तो 500 रुपये एक रिटर्न का लगेगा, क्वार्टरली रिटर्न इनकी जाती थी। तो अगर उसमें कोई सेल है, कोई परचेज है, तब आपका ये 500 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये लेट फीस हो जाती है GSTR4। तो इस प्रकार जो है ये इनका लेट फीस का फंडा है, जो कि 1 जून से आप जो भी टैक्स भरेंगे, जो भी GST फाइलिंग करेंगे उनके लिए इनका ये फंडा है। ये प्रेस रिलीज है, इसका नोटिफिकेशन आना भी बाकी है, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। आज में 1/6/2021 में हम बैठे हैं, अभी इनका नोटिफिकेशन नहीं आया। बाकी आपने देख लिया किस प्रकार की लेट फीस लगेगी, आगे की वीडियो हम और बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज मैंने केवल इस लेट फीस पर वीडियो बनाई। तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए या इस वीडियो में आपका क्या क्वेश्चन है। और कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी अदर वीडियो के भी लिंक हैं, जिसमें आप काफ़ी सारी हमारी वीडियो देख सकते हैं, कुछ प्रोसेसर नोटिफिकेशन सर्कुलर आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका दोस्त अवधेश शर्मा आपसे आगे चाहूँगा, धन्यवाद।